खबर मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां पर मैहर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचेंगे सतना के प्रभारी मंत्री और सतना सांसद गणेश सिंह। सतना के मैहर में 29 मई को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण होगा। अनावरण में देश विदेश से संत और अतिथि पहुंचेंगे। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास सेवा समिति अबकंडी मैहर एवं समस्त रविदास समाज जिला सतना के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में जगत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश हेड ऑफिस डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी ट्रस्ट के संत मनदीप दास जी महाराज, अखिल भारतीय रविदासी अध्ययन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मनदीप जी, संत विक्रम सिंह रविदासिया इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग युवा उद्योगपति उपेंद्र रविदास एयरलाइंस के चेयरमैन एवं संत इंदर लाल दास महाराज इलाहाबाद राष्ट्रीय संरक्षक, ज्ञानी राम कुमार असनावड़े अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सांसद बिजनौर उत्तर प्रदेश, तीसनाम सिंह रवि अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार तथा विभिन्न राज्यों से गुरु प्रेमी गुरु जी का विचार व्यक्त करने आ रहे हैं। नेशनल सेक्रेटरी तथा असम के महंत रामपाल सिंह महाराज ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथि आएंगे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा मंचीय कार्यक्रम होगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चाहने वालों के लिए लंगर की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता आरएल सागर ने बातचीत की है, आइए देखते हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र राजवंशी के साथ सतना से स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं, यही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति का अनावरण होगा। अभी पहले की मूर्ति रखी हुई है, बड़ी मूर्ति के यहाँ अनावरण होना है। यही पूरा वो मंदिर है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। एक बार पुनः मैं संत रामपाल महाराज जी से चाहूँगा कि महाराज जी बताएं कि कितनी बड़ी मूर्ति है। और जी महाराज जी, कितनी बड़ी मूर्ति है? जय गुरुदेव, ये मूर्ति अपनी जो आई है पुणे से जी, वो 2.5-3 फीट की मूर्ति है जी जी, जो गुरु रविदास जी महाराज की स्थापित होगी जी जी। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने गुरु जी की मतलब मूर्ति को प्रतिष्ठान अनावरण करवाएंगे, बैठाएंगे जी जी, और बहुत भव्य तरीके से उनको सभी लोग बहुत होल उत्सव के साथ मनाया जाएगा जी जी जी। कार्यक्रम जी, जैसा कि बताएं कि मूर्ति रविदास जी की यहाँ स्थापित होगी, अनावरण होगा। इतने बड़े भव्य आयोजन में दुर्भाग्यपूर्ण केवल यही है कि चारों तरफ अवैध कब्जा है। मैं एक बार पुनः अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं सामने की क्या स्थिति। ये प्रमुख द्वार है, यहीं से गुरु महाराज जी की दर्शन के लिए गुरु महाराज जी के चाहने वाले लोग आते हैं, लेकिन सामने से गेट बिल्कुल ही पता नहीं चलता, जिसके कारण लोग भटक जाते हैं। अब मैं पूरी मंदिर परिषद दिखाना चाहूँगा। ये हम ट्रस्ट दिखाना चाह रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर बना है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि मंदिर वो दिखाएं। यही वो मंदिर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस ट्रस्ट के आसपास अवैध कब्जा भी है। इधर मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि इस अवैध कब्जा को दिखाएं। ये अवैध कब्जा इधर अपने पीछे साइड कैमरामैन इधर दिखाएं, ये भी सामने। ये इतना बड़ा ट्रस्ट होने के बावजूद भी लोगों को पता ही नहीं चलता है। मैं जानना चाहूँगा संत रामपाल महाराज जी से, जी महाराज जी, यहाँ बहुत ज़्यादा अवैध कब्जा है, इस पर क्या कहेंगे? ये हम शास्त्रम के बारे में और मंदिर के बारे में और जो उत्खनन के बारे में जी जी, ये हमारे यहाँ के प्रशासक की कमियाँ हैं। और यहाँ हमने कलेक्टर को भी मतलब पत्र लिख चुके हैं, यहाँ के विधायक को भी पत्र लिख चुके हैं जी, यहाँ के हम SDM साहब को भी मतलब कई बार मतलब मौखिक और कई बार दिखा चुके हैं, मगर वो किसी प्रकार का मदद करने की वही नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी ने यहाँ के प्रशासक, SDM, विधायक सभी को सूचना दे दिए हैं, इसके बावजूद यहाँ का अवैध कब्जा नहीं हट रहा। यही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। इसी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण 29 मई
2022 को होना है, लेकिन मैं एक बार पुनः अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरा ट्रस्ट दिखाएं। ये ट्रस्ट यहाँ लोग रात में आते हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्थाएं की जाती हैं इतने बड़े ट्रस्ट में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण केवल एक ही है कि कोई अजनबी अगर आया तो शायद वो भटक जाता है। चूँकि मैं खुद अभी जा रहा था तो आगे निकल गया था, सामने से गेट बिल्कुल नहीं दिखता है। आप देख रहे हैं ये गेट बिल्कुल, सामने से कोई अजनबी आएगा तो नहीं देख पाएगा। संत महाराज जी ने यहाँ के प्रशासन से, शासन से मांग की है कि अवैध कब्जा हटाया जाए। कैमरा पर्सन नारेंद्र राजवंशी के साथ जिला ब्यूरो चीफ आरएल सागर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ मैहर पे। मैहर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण 29 मई 2022 को होने जा रहा है। इस अनावरण कार्यक्रम में भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी कुछ अतिथि संत महाराज आ रहे हैं। हमारे साथ हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सेवा समिति मैहर ट्रस्ट के महाराज संत रामपाल महाराज जी। आपसे जानेंगे कि इतने बड़े भव्य आयोजन में कौन कौन आ रहे हैं। जी महाराज जी, सबसे पहले आपको टीवी वन इंडिया न्यूज पे स्वागत है। जी, इस आयोजन में कौन कौन आ रहे हैं? जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, हरिशो हीरा छाट को करे आन की आस, तेनर दो जग जाएंगे सद वहाँ के रविदास। जय गुरुदेव, धन्यवाद आपका। अभी 29 मई को अपने संत रविदास आश्रम मैहर में जी मूर्ति का अनावरण है, जिसमें अपने अखिल भारतीय उदासी संत संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत मनदीप दास जी महाराज जो सचखंड बल्ला जल से आ जा रहे हैं, और साथ में विक्रम उपेंद्र रविदास जी आ रहे हैं एयरलाइंस चेयरमैन, और विश्व गुरु रविदास बेगमपुरा मार्ग के अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जी आ रहे हैं जी, उनके साथ पूरी उनकी टीम आ रही है जी। और इस समय पर अभी पता चला है कि वो अपने मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी को भी आना है जी, और अपने सांसद जी को भी आना है जी, और भी लोग ऐसा जी जो डॉक्टर गुरु रविदास जी महाराज के जो चाहने वाले हैं कुछ ऐसे लोग भी हर ज़िले से, मध्य प्रदेश के हर ज़िले से लोगों को भी आना है जी। जी महाराज जी, कार्यक्रम कैसा रहेगा? कार्यक्रम प्रतिमा का अनावरण रहेगा, इसके बाद मंच सब अपने जो अतिथि लोग रहेंगे उनके लिए मंच में स्वागत बंधन, उनका स्वागत करने के लिए मंच रहेगा जी। जी कार्यक्रम यही कार्यक्रम महाराज जी, चूँकि इतना बड़ा भव्य आयोजन कर रहे हैं, इसमें जनता पब्लिक भी आएगी, पब्लिक के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? पब्लिक के लिए आश्रम की तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ, समिति की तरफ से जी यहाँ लंगर की व्यवस्था की जाएगी जी, पानी होने की व्यवस्था की जाएगी, जो रोत रुक सकते हैं उनके लिए पढ़ने सोने की व्यवस्था की जाएगी जी, ताकि अपने अपने पब्लिक को कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े जी। महाराज जी, इतना बड़ा भव्य आयोजन करके आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अपन अपने अपने जो गुरु रविदास जी महाराज के जो संदेश है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब उनको अन्न, छोटे बड़े सब रविदास रहे प्रसन्न जी। बाबा साहब ने भी बोला है कि शंकित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो, यही संदेश गुरु रविदास जी महाराज के नाम से, बाबा साहब के नाम से हम लोग देना चाहते हैं समाज को, ताकि हमारे लोग संगीत रह सकें और शिक्षित हो सकें, संघर्ष कर सकें जी। तो जैसा कि आपने देखा 29 मई को जो ये इतना बड़ा भव्य आयोजन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है, इसमें समानता भाईचारा का संदेश देना चाह रहे हैं। हमारे साथ में संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने ये सब बातें बताई। बाबा साहब की लाइनें, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही संदेश समाज के लोगों को देना चाह रहे हैं।